मूवी इज द बेस्ट दासू मूवी भाई जबरदस्त मूवी है एक नंबर मूवी है तो आज है 25 तारीख और लंबे अरसे के बाद में पठान मूवी हो गई है रिलीज। आपको बता दें कि आज फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने वालों की भी भीड़ लगी रही है। लोगों से बात करेंगे कि उनको पठान मूवी कैसी लगी। बहुत सारे लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करूंगा। मूवी देख के आए, कैसी रही मूवी बताइए? बहुत अच्छी रही पठान मूवी, बहुत बढ़िया मूवी थी। बहुत अरे मुझसे सुना का मिले बताइएगा सर मूवी के बारे में। सब बढ़िया है सर, बहुत अच्छी अच्छा। सुपर, एकदम सुपर। ठीक है, क्या कहेंगे? एकदम झकास मूवी है, उसके एक्शन सीन बहुत अच्छे लिए, एक्शन बढ़िया है। हाँ भाई, दीपिका हमें बहुत जबरदस्त लगी। क्या कहेंगे सर मूवी? अरे मस्त मूवी है। कैसी मूवी? बेस्ट मूवी। अच्छा, एकदम मस्त मूवी है, बढ़िया, बहुत अच्छी, देखने में बहुत मजेदार, एक्शन फाइट सब हैं, सब कुछ है। ठीक है, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। क्या बोलेंगे सर मूवी? सर एक नंबर की सुपरहिट, एकदम सुपरहिट जाए जी, एकदम। सर क्या बताएंगे मूवी को लेकर? मूवी इज द बेस्ट दासू मूवी। दासू है, क्या कहेंगे? एकदम मस्त मूवी है यार। क्या बोलेंगे? एवन एवन जरूर आए। सर क्या बोलेंगे मूवी को लेकर? भाई जबरदस्त मूवी है, एक नंबर मूवी है। बायकॉट हो रहा था, बायकॉट भाई देखो, वो तो एक पब्लिसिटी इंस्टेंट है मूवी, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने की बात है, कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट भाई, शाहरुख खान इज द बेस्ट, बढ़िया मूवी, काफी मतलब VFX सिस्टम काफी अच्छा था और मूवी भी सुपर हिट, मतलब बढ़िया मूवी थी। अच्छा, बायकॉट हो रहा था? बायकॉट कुछ नहीं, शाहरुख खान ने उसमें सब कुछ मतलब सही किया, सब कुछ अपने साथ। क्या कहेंगे सर मूवी? अरे सर बहुत अच्छी मूवी है, इससे अच्छी मूवी तो कोई आई भी नहीं है अभी तक। सर क्या बोलेंगे मूवी को लेकर? बहुत अच्छी मूवी है। क्या अच्छा लगा उसमें सबसे ज्यादा? वैसे देश के ऊपर मूवी है सर। अच्छा, और उसमें सब कुछ अच्छा ही दिखा। क्या बोलेंगे? पठान मूवी अच्छी थी, देश सलमान खान की एंट्री सबसे बढ़िया है, उससे आगे वे शाहरुख खान की भी थी। शाहरुख खान की तो एंट्री तो एंट्री तो सबकी ही बढ़िया थी। अभी तो देखी भी नहीं है। अच्छा, देख के कौन? अभी देखी नहीं, अब शो है। आप लोग देख के आए? क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी। कैसी मूवी है? बहुत बढ़िया। कैसी मूवी है, आपने देखी थी? हाँ देखी थी। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मस्त लगी। अच्छा, देश के ऊपर थी वो मूवी, पैसा वसूल मूवी, एक नंबर जबरदस्त, पैसा वसूल मूवी। और जो पठान का गाना था वो एक नंबर था, पठान का गाना, जुम्मा मेरी जान। और फिर जो मेरे दोस्त था सलमान, मुझे बायकॉट वाले नहीं दिख रहे, कहां गए बायकॉट वाले? सर क्या कहेंगे? और भाई के जो एप्स थे शाहरुख खान के, वो एक नंबर भाई, बहुत ही बढ़िया। ये भाई साहब आगे में, भाई जान ने आगे तो जान ही डाल दी पूरी मूवी में, भाई पूरी बॉलीवुड की इज्जत बचा रही पठान भाई साहब ने, शाहरुख खान ने। शाहरुख खान जिंदाबाद, एक नंबर डायलॉग, डायलॉग एक नंबर, वसूल फुल पैसा, पठान जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया मूवी रही थी आज। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। क्या कहेंगे सर? बहुत एकदम मस्त मूवी है, मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर ये मूवी देखें, कि शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बेहतर मूवी है पठान। एवी कैमियोस के अंदर आपको एक सरप्राइज ही मिलेगा जब आप मिड में पहुंचेंगे फिल्म की। एकदम जबरदस्त मूवी है, जो पठान हर किसी को वॉश है। अभी तक बायकॉट हो रहा था, उसको लेकर क्या बोल रहे हैं? कोई फर्क नहीं है ना, कोई ऐसे उसमें बायकॉट वाली चीज थी, बल्कि सिर्फ देशभक्ति उसमें दिखाई गई है। क्या बोलेंगे मूवी को? क्या क्या एक करके कैसी रही मूवी, कैसी लगी? बहुत मस्त है। पठान मूवी एक है बात है जो सबको देखना चाहिए, शाहरुख खान की सबसे बेस्ट मूवी है, और पठान जिंदाबाद। बॉलीवुड इज अ ब्लॉकबस्टर मूवी, पठान मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 10 में से 10, 10 में से 10, बहुत बढ़िया सलमान जिंदाबाद साबित होगी ये मूवी, ब्लॉकबस्टर साबित। भाई साहब बॉलीवुड अब भी जिंदा है, शार्क है भाई साहब, पठान ने तो आग लगा दी, आग सलमान खान का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़े थोड़े लोगों से बात, थोड़ा थोड़ा मूवी से बॉलीवुड की वापसी हुई है, और शाहरुख खान का दमदार बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, गंगा बहुत अच्छा कैमियो है। चलिए चलिए, मैं और लोगों से भी बात करूंगा यार, आप लोग चलते रहिए। कितने सोले भाई साहब, टाइगर ने जान डाल दिया, टाइगर। अच्छा अब मैं और लोगों से, और हॉलीवुड हॉलीवुड बना दी, और लोगों से बात कर लूं मैं, थोड़ा थोड़ा बात कर। पठान बहुत बढ़िया मूवी थी यार, एकदम बहुत बढ़िया रही पठान। चलो चलो चलो, मैं और देख रहा हूं आप लोग, बस एक एक करके बोलते, पठान जिंदाबाद, पठान जिंदाबाद, पठान जिंदाबाद। छोड़ के, इसको छोड़ के, बाकी पठान सही है मूवी, बढ़िया है उनकी वाली, सलमान खान भी आया है तो उससे सुपर हिट टास्क पूरी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मूवी बहुत बढ़िया है, बढ़िया मूवी थी ना? ठीक है, बहुत अच्छी मूवी भाई जान की एंट्री, सब शो देखे जाएंगे, सब एक एक बार के शो देखे जाएंगे।
चलिए क्या कहेंगे, एक और बार देखेंगे आके, एक और बार जी ठीक, एक और बार देखेंगे। चलो आप लोग, आप लोग हाउसफुल हो जाएंगे सब। अच्छा ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था, कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी लगी है। मुझे लगता है सारे लोग आ चुके हैं और ये शाहरुख के फैन थे और जिस तरह से ये लोग अच्छा एक बात बताइए, बेशर्म रंग जो सॉन्ग था वो कैसा लगा? एक नंबर बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा उसमें? बहुत अच्छा लगा, अच्छा। शाहरुख खान दिखाया गया उसमें और उसकी लुकिंग भाई साहब एक नंबर, जो कि किसी में है ही नहीं। गाना हिट जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से बायकॉट हो रहा था मूवी का, एक एक करके बोलिएगा, तो क्या लगता है वाकई में क्या बायकॉट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सीन है ही नहीं, वो अनभक्त है और अनभक्त रहेंगे जी। रंग को लेकर क्या कहेंगे, किसी का खरीदा हुआ नहीं है और ना ही कोई खरीद पाएगा, रंग किसी का खरीदा हुआ नहीं है। हम शाहरुख के फैन है सारे लोग। चलिए ठीक है, देखिएगा मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था और ये लोग जो है मूवी देखकर आ रहे थे और जिस तरीके से इनके दिलों में जो एक जोश था मूवी को देखने के बाद में, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि तीन पठान के घर पे पार्टी रखेंगे, पठान के घर पे पार्टी रखी जाएगी। देखिएगा आप देख सकती हैं यहाँ से लेकर ये नटराज टॉकीज है, कैंट में टॉकीज है और किस तरह से जो है एकदम जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने क्या वो भाग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आइए आइए, क्या नाम है? शाहरुख भाई बताइएगा कोई एक ऐसी एक्टिंग करके दिखाइए शाहरुख खान की, आप बहुत बड़े फैन। कौन सा गांव है? गुलड़गांव, बस आ रही है पूरी भर के, अभी तो गाड़ी आई है। एक्टिंग पठान के घर रखोगे तो पठान तो आ गई, पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा भी, और साथ में पठाने भी लाएगा। सॉरी यार, कोई और बोल दो। अच्छा बोलो 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 शाहरुख, छोटा सा बोल दे, बोल दे। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, अच्छा, और साथ में पटाखे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि इतने साल के बाद में वो एक धमाकेदार मूवी लेकर आए हैं और आई एम ए बिग फैन ऑफ एस आर के और पूरा वर्ल्ड उनका फ़ैन है। जो लोग भी इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या बायकट करने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते जो लोग बायकट कर रहे हैं। बायकॉट क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या बायकॉट ट्रेंडिंग एक शब्द हो गया है? हाँ, वो ट्रेंडिंग इसलिए हो गया है कि एक भेड़चाल है सोशल मीडिया पे। अगर आप किसी को समर्थन करेंगे तो पब्लिक समर्थन करने लग जाएगी, आप बायकट करेंगे तो बायकट करने लग जाएगी। वो अपने माइंड का यूज़ नहीं करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इतने बड़े स्टार हैं, हमारे इंडिया का प्राउड है वो। अच्छा, तो इसलिए पठान मूवी को देखा है, तो इससे पहले भी शाहरुख की जो भी मूवी रिलीज होती है उसको भी देखते हैं? आप मूवी रिलीज़ की बात मत करिए, मेरे घर पे एक रजिस्टर बना हुआ है जिसमें उनकी पहली फिल्म से लेके आज तक की हर फिल्म लिखी हुई है। अच्छा। कि उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है। आई एम ए बिग फैन ऑफ, मेरे आइडल हैं और मैं बहुत उनको मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे पठान मूवी को लेकर? पठान मूवी को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में शाहरुख खान जी के द्वारा आया है और बुर्ज खलीफा पे उन्होंने अपना ट्रेलर चलवा के साबित कर दिया कि शाहरुख खान शाहरुख खान है, शाहरुख खान जैसा कोई नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि पठान मूवी में सलमान खान की एंट्री, जिससे सब लोग अनजान थे, मैंने देखा बस रोंगटे खड़े हो गए कि पठान फंस जाता है और एक ट्रेन निकल रही है और पठान को बचाने भाईजान आते हैं, बस कमाल ही हो गया, कमाल हो गया। तो कहीं ना कहीं सलमान के भी फैन हैं आप? अरे सलमान खान के तो भाई जमाना है, वो तो पूरे वर्ल्ड के भाईजान हैं। तो आज तो हम लोग इतना खुश हैं, आज तो बस यही चलने वाला है, झूमे जो पठान मेरी जान महफिली बन जाए। फुल एंजॉय लीजिए और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मूवी है और जैसा कि इसका मतलब विरोध किया जा रहा था वैसा इसमें कोई इशू नहीं है और ना ही कुछ ऐसा कुछ हुआ। बहुत माशाल्लाह, बहुत मजा आया मूवी देख के। दिखाया गया भैया इसमें जो भी देश के बायकॉट तो गलत लोग कर रहे हैं, समझ यार दिमाग का डिफरेंस होगा जो भी, यह देश के लिए पूरी मूवी है। जिस गाने को लेके वो हो रहा था वो भी ऐसा कुछ नहीं है, बेशर्म रंग और मतलब वो थोड़ी देर का पार्ट्स था और इस तरीके का कोई भी मतलब कुछ वर्ड्स यूज नहीं किए गए थे। जिस तरीके से बायकॉट किया जा रहा था उस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं था। पठान मूवी बहुत ही अच्छी है, हम लोगों ने देखी, सभी लोग देखें, देश के ऊपर भी है ये मूवी। हाँ, मतलब एक सच्चा देशभक्त दिखाया है वो भी, और बाकी मूवी बहुत ही औसम है, फुल एक्शन, सलमान भाई भी दिखाए उसमें, बहुत ही बढ़िया मूवी है इसमें। अच्छा, और सर बहुत ही मज़ा आया देखते हुए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अलाउ करें तो मैं 5 में से 10 स्टार दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये मूवी भाई वो क्या कहूँ, लफ्ज ही नहीं है भाई, एस आर के और फिर सल्लू,
क्या कह ही नहीं सकते भाई, कॉम्पिटिशन हाई है भाई, लव्ज ही नहीं है यार, लव्ज ही नहीं है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लव्ज ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? 25-30 साल बाद मैंने आज जोड़ी देखी कर्ण अर्जुन की, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है भाई, इतनी अच्छी मूवी है। बल बेस्ट सुपर स्टार शाहरुख खान, 4 साल बाद वेट किया मैंने, आज मूवी देखी मैंने। शाहरुख खान के फैन है इसलिए मूवी देखी है या बैकआउट हो रहा था इसलिए, या उसमें कुछ लेटेस्ट है? मैं तो शुरू से ही फैन हूँ, बैकआउट क्या, बैकआउट तो कुछ नहीं है। अच्छा, बैकआउट गैंग एक साइड हो गई है, बाकी तो भाई देशभक्ति मूवी है वो भी आ जाएगी। हाँ, देशभक्ति मूवी है, पूरी देश के ऊपर है, मूवी बहुत अच्छी, देशभक्ति है, बहुत अच्छी लगी। लंबे अरसे के बाद में आज पठान मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहा और लोगों से हमने बात की और लोगों ने अपनी राय भी दी कि उनको किस तरह की ये मूवी लगी है। हमने लोगों से बात किया, पूछा था कि उनको पठान मूवी कैसी लगी, तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और बताया था कि किस तरह वो लोग मूवी को पसंद कर रहे थे और शाहरुख के कौन कितने बड़े फैन थे ये भी उन्होंने बताया। देख रही है बरेली मेरा, जय हिंद दोस्तों।